बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए फिश करी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मजेदार सा हम एक सालन बनाएंगे आज। तो चले आए हम इसके लिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए फिश ली है, ये मेरे पास 2 अदद फिश है, और मैंने इसके साथ स्पाइस लिए हैं। मेरे पास मेथी है, कसूरी मेथी है, ये 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है नमक का, ये मेरे पास हल्दी है 1/2 टीस्पून, ये मेरे पास 1 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, ये 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है, और 1 टीस्पून ही मेरे पास पिसी हुई मिर्चें हैं। और ये मैंने चंद दाने मेथी दाने के लिए हैं, ज़्यादा नहीं है, ये 8 से 10 दाने होंगे। ये मेरे पास 4 टेबल स्पून दही के हैं, और ये मेरे पास 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये मैंने 2 अदद प्याज लिए है, जो कि मैंने उसको पीस लिया था। और ये मेरे पास ऑयल है, ये मेरे पास ब्राउन प्याज है, ये मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब ली होगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी ली है। और ये मेरे पास हरा धनिया है, फ्रेश कोरिएंडर, जो कि हम इसको गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फिश के पीसेस हैं, हम इसके ऊपर तकरीबन 1 चम्मच दही लेंगे और हल्का हल्का सा इसके ऊपर लगा देंगे। हमने ये फिश को अच्छी तरह से धो लिया था और नमक लगा लिया था इस पे। थोड़ी देर हमने आधा घंटा नमक लगा के आधा 1 घंटा छोड़ दिया था, फिर हमने इसको सफाई से इसको धो लिया था। तो देखिए, हम हल्का हल्का सा इस पे दही लगा देंगे, हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। ये देखिए, हमने सब पे दही लगा लिया अच्छी तरह से। अब हम इसको रख देंगे जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक डीप पैन लेंगे और उसमें हम ऑयल डालेंगे। साथ ही साथ हम इसके अंदर जो हमारे पास मेथी दाना रखा हुआ है, हम वो इसके अंदर डाल देंगे। जो हमने मेथी दाना लिया था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको हल्का सा इसमें फ्राई करेंगे, ताकि थोड़ी सी इसके ऑयल के अंदर इसकी खुशबू आ जाए। ये देखें, मेथी दाने हमारे हल्के हल्के से ब्राउन होने लग गए हैं, मगर हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास पिसी हुई प्याज रखी हुई है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और 1 से 2 मिनट तक, 2-3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। प्याज थोड़ा सा अपना पानी छोड़ दे, फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें, प्याज को हमने भून लिए। अब हम इसके अंदर ये लहसुन अदरक जो है वो डाल देंगे। इसके साथ भी हम 1 मिनट भून लेंगे। देखें, लहसुन अदरक भी हमारा इसके साथ भुन गया। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास स्पाइस रखे हैं, वो हम डाल देंगे। ये मेरे पास पिसी हुई मिर्चें हैं 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक के हैं, और ये 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी है। सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा भुनेंगे, ताकि अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो जाए। मैंने मसाले स्पाइस डाल दिए इसमें, इसमें 1/2 कप से भी कम मैं इसमें पानी डाल दूंगी, ताकि ये मसाला हमारा जले नहीं और अच्छी तरह से ये पक जाए। ये मैं इसको अच्छी तरह से मिला देती हूँ और 4 से 5 मिनट के लिए इसको भुनने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि अच्छी तरह से हमारा मसाला पक जाए। इसको ढक के रख देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम देखते हैं। देखिए, हमारा मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास दही रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैंने अभी 2 टेबल स्पून के करीब डाली है। उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
जब ये मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम जो बाकी बची हुई है वो भी हम इसमें मिला देंगे। देखिए हमारी दही अच्छी तरह से इसमें भुन गई है। अब जो हमारे पास टू टेबल स्पून और दही है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तभी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें हमने जो दोबारा दही डाली थी वो भी हमारी अच्छी तरह भुन गई है। अब हम इसके अंदर जो हमने कहा था 1½ टेबल स्पून हमने जो भुनी हुई प्याज ली थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ हम इसमें कसूरी मेथी जो हमारे पास थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हल्का सा हम इसको इस तरह से चूरा कर लें ताकि हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको भूनेंगे। मसाला बस अच्छी तरह से हमारा भुना हुआ होना चाहिए तो जब हम मछली डालते हैं तो उसका शोरबे का जायका बहुत मज़ेदार आता है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट तक भूनने देंगे, इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तब हम इसमें फिश डालेंगे। जब तक हम अपनी फिश फ्राई कर लेते हैं तो इसको हम ढक के रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए ताकि इसका ऑयल भी ऊपर आ जाए आराम से। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, मतलब 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। उसको हल्का सा गर्म होने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। हमें चूल्हे को भी जो फ्लेम है हमारा, हमें फ्लेम की आंच को भी मीडियम पे रखना है क्योंकि हम ज़्यादा हमें जब हम फिश फ्राई करेंगे तो हमें ज़्यादा सिकी भी नहीं चाहिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर फिश के पीसेस रखते जाएंगे। ओके हमें बस दोनों तरफ से हल्का हल्का सा इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। देखें एक साइड से हमारी फिश हो गई है, अब हम इसको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। ये देखें हमारी फिश फ्राई हो गई है, अब हम इसको उतार लेंगे। ये देखें हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। इसके अंदर हम हल्का सा पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा भी। और इसके बाद हम अब इसमें जो हमारे पास फिश जो हमने फ्राई करके रखी है फिश वो हम इसके अंदर इसी से रखते जाएंगे। और इसके साथ हम 2-4 मिनट इसको भुनने देंगे ताकि ये जो फिश है हमारी अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिल जाए। देखें वो इस तरह पकड़ के हमें हिलाना चाहिए ताकि ये हमारी फिश ना टूटे। अगर हम इसमें चम्मच चला देंगे तो हमारी फिश फौरन टूट जाएगी क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होती है तो हमें बहुत संभल के इसका सालन पकाना पड़ता है। तो ये हम थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं इसके मसाले के साथ ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर भुन भी जाए और मसाला भी फिश के अंदर चला जाए। ये देखें हमने मसाले के साथ फिश को छोड़ दिया था 4 से 5 मिनट के लिए, तो इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जितना हमें पानी रखना है थोड़ा सा हम डालेंगे, 1/2 कप के करीब डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हमने इसके अंदर पानी डाला है, इसको इस तरह से हम मिला लेंगे। और जो हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला था वो भी हम इसके साथ ऐड कर देंगे। इस तरह से हम करके हिला लेंगे।
हॉल आ गया है। अब हम इसको 2-4 मिनट के लिए मसाले इसके साथ पकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसको देखते हैं। हॉल आ गया है इसमें। अब हम इसको 3 से 4 मिनट मसाले के साथ पकने देंगे ताकि जो मछली में कसर रह गई है कच्चे होने की तो वो भी सही से पूरी हो जाए और ये अच्छी सी तैयार हो जाए। तो हम 3-4 मिनट बाद इसको देखते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आए देखते हैं। ये देखें हमारी फिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और कितनी ज़बरदस्त लुक है इसकी और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। ये देखें इसका लुक, ये जबरदस्त तैयार हो गई है। फाइनली हमारी फिश करी रेडी हो चुकी है, मसालेदार फिश। आप इसको बनाएं और सबको खिलाएं, लोग आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे और सर्दियों का मज़ा भी आपका दोबारा हो जाएगा। इसको बॉयल चावल के साथ खाएं। ये देखें इसकी फाइनल लुक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह से मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपियाँ शेयर करती रहूँ। अब मिलती हूँ अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।